कुछ लोगों ने सत्ता के लिए देश के टुकड़े कराए, बोले प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील शर्मा। ब्राह्मण त्यागी चेतना मंच के तत्वाधान में गांव असोड़ा में प्रदेश सरकार के आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा का पगड़ी पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार का समय चल रहा है, जिसे देखो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्योंकि कुछ लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने सत्ता के लिए देश के टुकड़े कराए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 70 साल में देश में जो हिंदू समाज की स्थिति रही है, वह आपके सामने है। जिसके पास अपने कोई मुद्दे नहीं होते, वह इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए सनातन संस्कृति पहले है, बाकी सब चीज़ बाद में है। अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील शर्मा का। इसलिए राजा को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया, लेकिन जब रक्षक ही रक्षक हो जाए तो भगवान परशुराम ने कहा कि अब ब्राह्मण को शस्त्र उठाना पड़ेगा, तो उठाएगा। और उन्होंने शस्त्र उठाकर धर्म की रक्षा के लिए काम किया। एक इंच भूमि अपने पास नहीं रखी और सारी भूमि अपने गुरु ऋषि को दान करके और महेंद्रगिरि पर्वत पर चले। आचार्य चाणक्य एक पिछड़ी जाति के बालक को खरीद करके ले आए और उसे देश का राजा घोषित कर दिया। अपने लिए नहीं किया, देश में संगठन हो, देश गुलाम ना हो, देश मजबूत रहे। यमन आग करके हमारे देश पर कब्जा कर रहे थे, उनको किस प्रकार रोका जाए। राजा विलासी हो गए, राजा स्वार्थी हो गए। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त का निर्माण करा अपने लिए कुछ। हम उस कुल परंपरा से हैं, उस वंश परंपरा से, ये हमारे रक्त में। हम चाहे भी तो अपने स्वार्थ की बात नहीं करेंगे, हम पहले बात करेंगे कि हमारे देश का, हमारे समाज का, जैसे मानवता का भला किस चीज में है, हम उसके लिए सोचेंगे। ये हमारे रक्त का कारण, हमारा डीएनए। और जब हम इस बारे में सोचेंगे तो फिर बाकी बातें गौण हो जाती। लेकिन जिस प्रकार का समय चल रहा आज, जिसे देखो वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा, कोई किस तरह की बात। भाई हम एक बात पूछना चाहते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने सत्ता के लिए देश के टुकड़े कराए, हुए कि नहीं हुए? कुछ लोगों ने सत्ता भोगने के लिए कश्मीर आधा तो दे दिया पाकिस्तान को और बाकी अपरोक्ष रूप से दे रखा था। सत्ता चाहिए उसके लिए चाहे जो। 70 साल से देश में हिंदू समाज की जो स्थिति रही है वो हम सबके सामने है। सत्ता चाहिए का एक अवगुण है, क्योंकि यह चुनाव विकास पर नहीं हो रहे। यह चुनाव में लोग जातियां लेकर के आते हैं, जातिवाद तो गोत्र भी आने लगे, गोत्र लेकर के। क्योंकि जिनके पास अपने कोई इश्यूज नहीं होते वो इस प्रकार की बात करते हैं, लोग भ्रम में होकर के ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और जिसका बाद में खामियाजा भुगत। लेकिन हम तो जिस कुल परंपरा से है, जिस वंश परंपरा से है, उस काम को करते रहे। हमारे लिए देश पहले, हमारे लिए सनातन संस्कृति पहले, बाकी सब चीज बाद में है। पर एक बात जरूर करूंगा साथियों, कि अपनी भी कमियों पर की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह सच्चाई है कि हम में से जिसको जगह मिल जाती है वो सोचता कि कोई दूसरा मेरी जगह ना छीन ले, इसलिए मैं ही जमा रहा हूं, है कि नहीं? दूसरा, हम अपनों का सहयोग नहीं करते, ईर्ष्या करने लगते, भैया भी सकते।